सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। एक बार जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं फेसबुक लाइव में, कृपया करके सभी अपने मित्रों को और जोड़ें इसमें। एक बार पूरा अपना 10-50 लोगों का ग्रुप बने, उसके बाद में अपन अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और आज कृपया करके कोई भी मेरा भाई फेसबुक लाइव छोड़ के ना जाए, मैं चाहता हूँ कि आपके इनपुट भी इसमें आना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक लोगों के हैं, तब तक और भाई लोग जुड़ते हैं तब तक मैं उनसे उनका नाम बोल के उनका स्वागत कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई रतन जी स्वामी जुड़े हैं भोपालगढ़ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ICIC फाउंडेशन में ये काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रदीप कुमार तुम्हारे साथ में जुड़े हैं, रतन स्वामी जी बोल रहे हैं, राम राम जी। श्री राम चौधरी गोपालपुरा से हमारे बड़े भाई साहब जुड़े हैं, इनको भी बहुत बहुत स्वागत है इनका। सूरज प्रताप सिंह जोरावत जी जुड़े हैं हमारे साथ में, राजकुमार जी जुड़े हैं, AR रमन नासना जी जुड़े हैं, राम राम साहब। भंवर जाट हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं राम राम जी, राम राम भाई साहब। हनुमान बागेश से जुड़े हैं हमारे साथ में, अमन चौधरी जुड़े हैं हमारे साथ में, हमारे राजस्थान पुलिस के जवान हैं हमारे भाई, ये छोटे भाई है राजेंद्र चौधरी दिल्ली पुलिस से, ये जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पेंद्र चलावरिया जी जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राम राम भाई साहब, राम राम जी आपको भी। देवेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ में जुड़े हैं भीम ब्यावर से, जय श्री राम ब्रदर। मुकेश चौधरी गोपालपुरा से जुड़े हैं हमारे साथ में, टाइगर गोपालपुरा, छोटा भाई जीतराम, राम राम भाई, राम राम आपको भी। बहुलाल जाट जुड़े हैं हमारे साथ में और तेज़ी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़े से और लोग जुड़ जाएँ, उसके बाद में अपनी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। मैं आप में से किसी एक भाई से जानना चाहता हूँ कि मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आज मैंने ईयरफोन नहीं लगाई है। तो एक बार मुझे कोई भी वो करे, मदन बुडक हमारे गवर्नमेंट टीचर है भाई, है हमारे दतुली से, ये जुड़े हमारे साथ में, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार गुजर हमारे साथ में जुड़े हैं हरसुली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशि प्रताप सिंह पिंटू हमारे साथ में जुड़े हैं, राम राम जी आपको भी। राजेंद्र जी हमारे को राम राम जी बोले। चौधरी राजवीर शेषमा हमारे साथ में जुड़े हैं मंडावरा से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, राम राम साहब। पुष्पेंद्र चलावरिया जी जुड़े हैं, एक बार कृपया करके आप सभी भाई लोग इसमें जुड़े और अपने और अन्य मित्रों को भी जोड़े। आज काफ़ी दिनों के बाद में इस पूरे सेटअप के साथ में मैं लाइव आपके सामने लाइव आया हूँ, तो मैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे काफ़ी समय से, तो उन पर बात करने के लिए मैंने सोचा आज सही समय होगा सभी के लिए। 1 बजे का समय इसीलिए दिया था मैंने आप लोगों को कि आप सभी जुड़ चुके, राजेंद्र जी चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका राजेंद्र जी रावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर, जय श्री राम। बालू राम चौधरी हमारे सुर में आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद बालू भाई ने हमारे को सूचित किया कि आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है। वॉइस आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी आ रही है, कोई काम नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे पास में 22 लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कुछ एक लोग हमारे भाई और जुड़े हैं इसमें, और ये बिल्कुल लाइव जनहित चर्चा इसका नाम मैंने दिया है। और सद्दाम जी शेख हमारे बोरा से जुड़े हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हेमराज चौधरी जुड़े हैं, राम बालू राम चौधरी जुड़े हैं, सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रणाम, राम राम। कोई भाई जो अभी जितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं वो कुछ कहना चाहेंगे लॉकडाउन के बारे में? आज की जो हमारी जो मुख्य जो चर्चाएं होगी वो चर्चा सबसे पहली लॉकडाउन पे होगी, उसके बाद में रोजगार पे होगी, तीसरी हमारे इर्द गिर्द जो चल रही है व्यवस्थाएं जो चल रही है उसके बारे में होगी। क्या सरकार का फैसला लॉकडाउन लगाने का क्या सही है, और लॉकडाउन अगर लग रहा है तो हमें उस लॉकडाउन में किस हिसाब से हमारे सामाजिक सरोकारों में भाग लेना चाहिए, सामाजिक कार्य है वो कैसे करने चाहिए, रोजगार का क्या रहेगा। एक मेरे मित्र है जो सूरज सिंह चौधरी सुपर, थैंक यू ब्रदर। पुष्पेंद्र चला रहे जो मुझे रिक्वेस्ट भेजे हैं, ये जो भी लाइन पर जुड़ना चाहे वो भी आज लाइन पर जुड़ सकता है, मैं इनको ऐड करता हूँ। देवेंद्र सिंह राजपूत ऐड करता हूँ मैं, देवेंद्र सिंह जी को, जो भी कोई भी हो वो जुड़ना चाहे वो आज मैं उनको ऐड करूंगा, वो अपने विचार रख सकते हैं। देवेंद्र जी मैंने आपको अप्रूव कर दिया है, आई थिंक आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एडिंग नहीं हो रहा है जैसे। दयाल चौधरी ब्रदर नमस्कार, राम राम भाई। BP यादव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, यादव साहब हीरापुरा से, ये भी हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दो चार छोटी छोटी बातें हैं, तो जितने भी लोग इसमें लाइव के माध्यम से जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ
क्या सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन क्या सही निर्णय है? कोरोना कोविड का यही उपाय है, एक बार सोचे और बताएं। देवेंद्र जी हमारे साथ में लाइन पे जुड़ चुके हैं। हाँ देवेंद्र भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? आपका बिल्कुल सही है सर। कैमरा एक बार थोड़ा सा फेस की तरफ कर लीजिए, आप थोड़े से बैठ खड़े होके बैठ के आप इस पे थोड़ा सा वो करिए क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ देवेंद्र जी सर क्या हाल मैं चाल है आपके? हेलो, आई थिंक नेटवर्क कुछ इशू था वो इसलिए कट गए। तो मैं आप लोगों से सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ये जो लॉकडाउन लगाया है ये लॉकडाउन क्या सही है, क्योंकि हम लोगों को इसके लिए बात और अपनी आवाज को आगे उठाना पड़ेगा। और अगर लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन इस तरीके के लॉकडाउन से COVID-19 का हम लोग कुछ रोकथाम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ और फेर बदलाव की जरूरत है। साथ ही इसमें कई सारी ऐसी चीजों को गवर्नमेंट ने छूट दी है जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नाजायज है। आप कल ही एक आदेश में पढ़ रहा था, कल ही आदेश आया शराब की दुकानों का, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि शराब की दुकानों को इमरजेंसी के अंदर इन्होंने घोषित किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इमरजेंसी वाली चीज है जिसको छूट देनी चाहिए। अगर लॉकडाउन अगर सरकार को लगाना था तो पूर्णतः सभी पे लॉकडाउन लगाते और लॉकडाउन लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट को लगाना था तो लॉकडाउन के कुछ नियम और कानून कायदे अलग तरीके के होते तो ये बेशक कारगर साबित होता। जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन को पखवाड़े का नाम देके जनता के ऊपर थोपा है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और जो जो चीजें अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना था तो आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जब कोविड की शुरुआत राजस्थान में दूसरी लहर आई थी तब इसके ऊपर विचार करना चाहिए था सरकार को। एकदम से इतने केसेस तो नहीं आ सकते, केसेस तो पहले भी आ रहे थे लेकिन आंकड़े हमारे से छुपाए गए थे। और अगर आंकड़े छुपाए भी गए थे तो वो क्यों छुपाए गए थे? उसका एक सीधा सा रीजन है कि वो इसलिए छुपाए गए थे क्योंकि पहले राजस्थान में इलेक्शन थे, वो इलेक्शनों को ये भली भांति तरीके से चल करवाना चाहते थे, उसके बाद में इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। चलो कोई नहीं, सरकार है, सरकार के कानून कायदे हम लोगों को मानने चाहिए और लॉकडाउन लगाया तो उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं। पर अभी समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी गांव में और शहर में दोनों जगह प्रॉब्लम्स आ रही है कि सामाजिक जो कार्य थे जो पहले से निर्धारित हो गए थे उन कार्यों का क्या होगा, जिनकी निमंत्रण छपके बढ़ चुके हैं, तो उसमें ना तो सरकार कुछ कर पाएगी ना ही कोई और कर पाएगा। उन कार्यों को सफल बनाने के लिए हम आम जनता की बड़ी भागीदारी वहां पर निभानी पड़ेगी। बड़ी हमारे साथ में काफी लोग जुड़े हैं, सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूँ। प्रधान जी गुजर हमारे साथ में टोंक से जुड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। के एस पोसवाल जी जुड़े हैं, काफी सारे। मैं चाहता हूँ आप अगर एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे राजनेता साबित होना चाहते हैं तो कृपया करके इस लाइव में आप जुड़े। और कई लोगों को ये लाइव एक टाइम पास लग रहा होगा या कुछ और लग रहा होगा, लेकिन इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को इतना सा बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों की पीड़ाएं सुनी है। पीड़ा क्या है कि साहब मेरे तो घर पे शादी है, बच्ची की शादी है, अब मैं उस बच्ची की शादी में कैसे और क्या करूं? कि कई लोगों को तो पुलिस का भय है, कई लोगों को कि मैं कितने लोगों की हमारे जो गांव में कहते कितने लोगों का खाना बनाऊं, मैंने 2,500 कार्ड वितरण किए हैं तो 2,500 लोग आएंगे या नहीं आएंगे, या मैं 2,500 का खाना बना के रख लूं तो वो खराब हो जाएगा। तो काफी सारी ऐसी असमंजस में हमारे ग्रामीण प्रवेश के हर वर्ग के लोग अभी फंसे हुए हैं कि जिनके किसी के शादी है, किसी की स्वामी है, और हम कहें तो काफी सारी ऐसी सिचुएशन में वो भंवर जाल में फंस चुके हैं। तो इन लोगों का हम सभी समाज को
इन सभी का हम सब समाज को, सर्व समाज के युवाओं को एक बेड़ा उठाना चाहिए कि हम उसको कैसे, एक वो काम बिगड़े नहीं और उसको कैसे हम लोग सही करके उसको आगे सफल बना सकते। गुरुजीत भाट हमारे पंजाब से जुड़े हैं, हेलो ब्रदर, सत श्रीकाल पाजी, कैसे हैं आप? महेंद्र सिंह जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिसकी घर में शादी है, कृपया करके आप COVID-19 की जो गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके शादी में जाएं। दूसरा, आप अपने बेस पे उनको फोन करके सूचित करें जिनकी शादी है कि हमारी तरफ से हम लोग इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो उन व्यक्ति को कम से कम खाना कितने लोगों का बनाना है या नहीं बनाना है उसका पता चले। तीसरी बात, अगर आप लोग शादी में जाते हैं तो पहले की तरह वहां भीड़ ना इकट्ठी करके आप शादी में जाएं, जाके अपना जो भी आपको लेना देना है वो देके आप खाना खा के तुरंत वहां से निकलिए। आप एक जगह, जब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग अभी शादियों में 100 लोगों का इन्होंने किया है, तो एक जगह खड़े नहीं हो सकते, रह नहीं सकते। तो अगले किसी परिवार का भी अगर काम बिगड़े ना और अपना भी काम हो जाए तो उस हिसाब से आपको हमारे से अच्छे मित्र हैं, ये जुड़े हैं, उनको भी नमस्कार। बाबूलाल बजरंगी फागी से हमारे साथ में, सर प्रणाम, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद में याद, जीतू गियार दूदू से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी प्रणाम, स्वागत करता हूँ। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि जो असमंजस की जो स्थिति अभी ग्रामीण प्रवेश में चल रही है, उस स्थिति को आप हम लोगों को संभालना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस समय के अंदर, अगर ऐसा समय अगर अभी चल रहा है, तो श्रीराम प्रजापत कुंडली से हमारे इमितर चलाते हैं, उनका भी प्रणाम है। बहुत सोनू सेन जी हमारे साथ में, सर नमस्कार, कैसे हैं? निमरा सेन, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को, हमारे समाज को, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और हम लोग उसको, उस चीज को कैसे इस चीज से निकल सकते। भाई सरकार का नियम है, लॉकडाउन लगना था वो लग गया। दूसरी बात, इस लॉकडाउन में हम, मैंने जो पिछले लॉकडाउन में भी देखी थी, इस लॉकडाउन में भी मैंने देखी है कि कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब कालाबाजारी, जहां तक मैंने स्टडी की है, कालाबाजारी क्यों बढ़ रही है? कालाबाजारी किसी दुकानदार की वजह से नहीं बढ़ रही है, किसी व्यापारी की वजह से नहीं बढ़ रही है। कालाबाजारी बढ़ रही है हमारी बेवकूफी की वजह से। हमारी बेवकूफी किस लिए है? मुझे चाहिए, मुझे आप सपोज करो, मेरा 1 किलो चीनी के अंदर मेरा 1 महीने का घर या 15 दिन का सब XYZ, जितने दिन मेरा घर चलता है, तो मैं लॉकडाउन के नाम से पैनिक होके मैं पूरा एक कट्टा खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, जब आप एक एक कट्टा खरीदोगे तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर कालाबाजारी बढ़ेगी, वो लोग कालाबाजारी करेंगे, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में आपको देंगे। तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जितनी चीज आपके घर में आवश्यकता हो उतनी ही चीज खरीदने के लिए आप जाए, ज्यादा चीजें ना खरीदे। ज्यादा चीजें की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी वो ऑटोमेटिक हमारे मानी है उनका एक सुरक्षा की, बजरंग जी बोल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जनता भी अपनी भागीदारी निभाए और अपने खुद करे, सरकार के भरोसे ना रहे। सरकार तो इस समय डामाडोल, मंत्रहीन मंत्रगोष्ठी भी दिखा दे। बिल्कुल बजरंग जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सरकार के भरोसे कोई भी ना रहे। अगर सरकार को ही अगर हमारी जिम्मेदारी या हमारी हमारी सुरक्षा की इतनी अगर फिक्र होती, तो सरकार, इससे पहले मैं थोड़ा सा बीच में पॉइंट को डाइवर्ट कर रहा हूँ, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हुए लगभग 1 साल होने को आ गया है और इतनी बड़ी समस्या है कि जिन गांवों को एक दूसरे को जोड़ के, गांवों को आपस में जोड़ा था, आज मैं सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ग्राम पंचायत मंडावरी का। ग्राम पंचायत मंडावरी में कुडली और घटियाली को हटा के कुडली ग्राम पंचायत अलग से बनाई थी, और मंडावरा जो नीमेड़ा ग्राम, नारेड़ा ग्राम पंचायत का एक गांव था, उसको ग्राम पंचायत मंडावरी में जोड़ा था। आज मैं जब मंडावरा में जाता हूँ तो लोगों की बड़ी समस्याएं आती है। वो कहते हैं कि हंसराज जी, हमारे नरेगा नहीं चल रही है। मैं कहता हूँ सरपंच साहब के पास में जाओ, तो सरपंच साहब के पास में जब जाते हैं तो सरपंच साहब कहते हैं कि साहब हमारे इधर तो आपका राजस्व रिकॉर्ड इधर एड हुआ ही नहीं है, वो नहीं हुआ। तो सरकार को अगर इतनी जरूरत होती, इतना अगर ग्रामीणों की अगर समस्याओं को समाधान करना चाहती, तो आज साल साल भर हो गया है गांवों को व्यवस्थित तरीके से उनका राजस्व रिकॉर्ड एक पंचायत से हटा के दूसरी पंचायत में लगाती, वो करती। कई गांव में नरेगा नहीं चल रही है, कई गांव में
सरपंच अपनी कन्नी काट जाता है कि साहब हमारे पास में तो आपका रिकॉर्ड है ही नहीं, आप तो उसमें जाइए उसमें जाइए। तो अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है सरकार में, अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है। और अव्यवस्थाओं का आलम यह आ गया है कि राजस्थान स्टेट में एक भाई से भाई नहीं बच पा रहा है, दोस्त से दोस्त नहीं बच पा रहा है, व्यापारी से व्यापारी नहीं बच रहा, एक दूसरे पे मारकाट और वो वाला भय वाला माहौल हो गया है। सरकार लॉकडाउन लगाती है, बेशक लगाए, वो हमारे लिए लगा रही है तो ठीक, हम उसको मानते हैं, लेकिन कम से कम बेरोजगार युवाओं का और जो व्यापारी है उनका तो कम से कम ध्यान दें ना। राम राम गासी बेरवा जी मंडावरी से हमारे सुन में, राजेंद्र जी को सलाम है, ये हमारे बहुत ओजस्वी वक्ता है मेंदवा से, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे जुड़े इसके लिए। संदीप तोमर जी कह रहे हैं सरकार को डब्ल्यूबी के इलेक्शन की चिंता हो वेस्ट बंगाल के, राइट। सरकार को इलेक्शनों की जो चिंता हर जगह रहती है क्योंकि उनकी सरकार बनानी है और कुर्सी पे बैठना है, उनको जनता से इतना कोई मतलब नहीं होता है। पर ये बातें आप भी बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन हम में से कई ऐसे जो लोग हैं जो जब जब चुनाव आते हैं या कुछ आता है तो हम सबसे पहले उनका झंडा लेके आगे चलते हैं। तो बोलने से और करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग जब तक हम अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं करेंगे, जागरूक नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरा भाई जुड़ा है दीवाना तेजा मनीष, क्या बोल रहे हैं, अरे भाई भैया हमारे सरपंच तो 21 लाख की कार में हैं, विकास तो हो ही रहा है। जो बात लोगों की जबान पे आजकल अक्सर चल रही है मेरे कि सरपंच तो 21 लाख की गाड़ियों में घूम रहा है और वो घूम रहा है, तो बेशक वो घूमे वो प्लेन में घूमे, हमारे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि विकास होना चाहिए, ग्रामीण युवा ग्रामीण बुजुर्ग ग्रामीण महिलाएं परेशान नहीं होना चाहिए। और ग्राम पंचायत मंडावरी में हाल बेहाल है, मैं बिल्कुल लाइव के माध्यम से बिल्कुल खुले शब्दों में कहता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, एक नरेगा जैसी स्कीम के अंदर फर्जीवाड़ों की भरमार पड़ी है, जिसके अंदर जेसीपीओ से मिट्टी डाली जा रही है और जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं, जनता से पैसे लिए जा रहे हैं, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर कोई बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। बट मैं तो हमेशा आपके सामने सीधा बिल्कुल सिंपल सा यही है कि अपन तो जो गलत है उसके लिए बोलेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप लाइव आके बिल्कुल ऐसा बिल्कुल खुले में मत बोला करो, आपके सब लोग खिलाफ हो जाएंगे। तो मैं ये कहीं मेरा कहना यही है कि जो मेरे खिलाफ होना चाहते हैं वो कल होते आज हो, आज होते अभी हो जाए, मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। खिलाफ वो तो होगा नहीं जो किसी का चोर के नहीं खाया, और वो जरूर होगा जो चोर के खाता है। और काफी सारे ऐसे लोग मेरे साथ में जो हमेशा जुड़ते भी हैं कि यार हंसराज आप वास्तव में जो कहते हो वो करके दिखाते तो बोल दे, तो मैं इसीलिए कि मैं अपनी जगह सही और जो जो, जो अपनी जगह सही है वो मित्र भी मेरे साथ में बोलते हैं और वो बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ में हमेशा बोलते हैं, किसी ने किसी को कुछ नहीं खिलाया, जो अन्याय हो रहा है जो गलत हो रहा है चाहे वो चाहे मेरे घर वाले क्यों ना करे, आपके घर वाले क्यों ना करे, सबके खिलाफ बोलो जिससे प्रधानमंत्री साहब ने राम राम भाई साहब आपको भी राम राम, अशोक जी रेटा जुड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना जो मेन मुद्दा था ये था कि शादियों में जो फिजूल खर्ची हो रही है हम उस फिजूल खर्ची को कोविड के इस दौर में हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि सूर्य जी जाट कांसा से हमारे साथ में जुड़े हैं, बड़े भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जो जो लोग जो जिनकी शादियां जिनके घरों में शादी समारोह है हम सब कोऑपरेट करें उनको, और किसी के अभी गरीब परिवार के बाप के घर में बेटी की शादी है या बेटे की शादी है किसी की शादी ना बिगड़े, तो उनसे जितना अपन कोऑपरेट करना चाहिए उतना कोऑपरेट करना चाहिए। एक और सवाल है भाई, अगर कोई एक काम भी बता दे कि मंडावरी सरपंच ने यहाँ काम करवाया है जिंदगी भर वोट दूंगा भले ही उसे कोई दे या ना दे। बिल्कुल मनीष भाई आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, अभी तक तो मुझे भी ग्राम पंचायत मंडावरी में कोई विकास नहीं दिखा, विकास दिखा तो ओनली फ्लेक्सों का विकास दिखा जिसपे बड़े बड़े बैनर लगे हैं और कुछ एक छोटे मोटे जो काम हुए हैं जिसमें चबूतरे का काम हुआ है वो ओनली और ओनली ग्राम पंचायत मंडावरी के बेस लोकेशन पे हुआ है, और ये हमारे सरपंच सनू जी सरपंच मंडावरी से ये भी आ गए। तो सर आप भी सुन रहे हो तो कृपया करके मेरे जो व्यूवर्स हैं जो आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं आप उनके बारे में एक बार जरूर जवाब दे,
हो इसके ऊपर, इस पे हो तो आप फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं सरपंच साहब भी जो देख रहे हैं मंडावी ग्राम पंचायत की, आप कृपया करके इनके जो मनीष जी हमारे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दें, आप कृपया करके कमेंट में दे, चाहे आप मेरे साथ में लाइव पे जुड़ के दे, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जो हम लोग जब तक नहीं बोलेंगे। मैं नहीं कहता है कि हर सरपंच खराब होता है, हर जननेता खराब होता है, लेकिन जहां पर अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हो रहा है तो हमें बेशक उसके खिलाफ बोलना चाहिए, और उसको उसको जब तक नहीं बोलेंगे, समाज के सामने नहीं लेके आएंगे, तब तक मेरे हिसाब से वो चीजें गलत है। कोविड के बारे में जननेताओं की और जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं उनकी बड़ी भागीदारी हो जाती है, लेकिन वो भागीदारी भी बड़ी नदारद सी नजर आ रही है। कितने लोगों के आज टीके लगे हैं ग्राम पंचायतों में, अगर मैं सरपंच साहब से जाके पूछूं, क्योंकि मैं एक आम नागरिक के तहत बात कर रहा हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, मैं ना तो कोई प्रत्याशी हूँ ना भी कुछ हूँ, मैं आम नागरिक के तहत पूछ रहा हूँ, तो उनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी चीज का, और व्यवस्थाएं बेहाल हो रही है सब जगह की। तो हम लोगों को बीइंग ए ग्रामीण या नागरिक होते हुए, अभी थोड़ा सा मनीष ने इसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया था पॉइंट को, ओम प्रकाश मीना कुल्ली भाई हमारे साथ में जुड़े थे आपको जुड़ने के लिए, और आप भी कृपया करके जनता हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं अगले चुनावों में सीआरडीआर के आने वाले में, आप भी कृपया करके आके लोगों से आप बातें कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए कोविड-19 के बारे में। हम लोग अभी सिचुएशन में कई लोगों को तो ये लग रहा है कि मौज मस्ती वाले हैं, ठीक है कोविड लग गया गाँव में जाएंगे और मौज मस्ती से हम आराम से जीवन जीवेंगे और मजे करेंगे, लेकिन उस गरीब परिवार की सोचिए जिसने अपने बच्चे के या अपने बेटे के लिए कर्जा लेके शादी कर रहा है, तो उनकी किसी की शादी ना बिगड़े। पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है, अगर कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति इसमें सुन रहा है तो कृपया करके किसी गरीब आदमी की शादी ना बिगाड़े। मेरे पास में कई जगह से भी ऐसे खबरें भी आ रही है कि साहब पुलिस वालों को पता चलता है, पुलिस वाले आते हैं 10,000-20,000 रुपए लेके और निकल जाते हैं, तो पुलिस कर्मियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके किसी को परेशान ना करें। आप अगर किसी को किसी कहीं पर आते भी हैं तो कृपया करके आप उनको एक एक वार्निंग चेतावनी देके जाए, अगर दूसरी वार्निंग चेतावनी में वो नहीं कर पाते हैं वो काम, तो आप बेशक उन पर कार्रवाई करें, उसके लिए स्वागत है। रामराज जुड़ चुका है कोई बागेश से, हंसराज जी बामों की डाणी से जुड़े हैं, हेमराज गढ़वाल हमारे जुड़े हैं, तो काफी मेरे भाई दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं इस लाइव के माध्यम से, मेरा जो मेन मुद्दा था वो एक तो था कि अभी के जो सामाजिक सरोकार या सामाजिक गतिविधियां हमारे ग्रामीण में हो रही है, कृपया करके आप सभी उन पे कोऑपरेट करें, और कम से कम खर्चे में, कोविड आ गया ठीक है कोविड का बहाना करके करो, लेकिन कम से कम खर्चे में हम हमारे खर्चों को सीमित करके आने वाले समय के लिए, और या कर्जा ना हो उसके लिए हम लोग बचा के अपनी अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके लिए रख सकते हैं। और गए जो लास्ट टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी हमने मुहिम चलाई थी, और भीलवाड़ा और अजमेर और केकड़ी उसमें हमारी मुहिम का बहुत जबरदस्त तरीके से सहयोग दिया था, और वर्चुअल जैसे आज मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से करके मेरे काफी भाई लोगों को जुड़ा, लगभग 1,000 लोग उस टाइम पे लाइव को देखा था, और वो वीडियो 8-9 हज़ार लोगों के पास में पहुंचा है, और काफी लोगों की मेरे पास में फोन कॉल आए, ग्रुप बनाए हैं मृत्यु भोज के ऊपर, और मृत्यु भोज बंद कराने का हमारा जो एक संकल्प था, ज्यादा नहीं लेकिन हमने 50 ही 40-50 ही करवाए, लेकिन हमने करवाए, और वो भीलवाड़ा उदयपुर और अपना अजमेर केकड़ी के साइड में उधर हमारा बहुत अच्छी पहल रही है। तो मैं आप लोगों से सभी से एक बार और कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन फिर से लग गया है, किसी का अगर किसी घर में अगर अनहोनी होती है, भगवान करे ना हो लेकिन अनहोनी होती है, तो कृपया करके मृत्यु भोज को बंद करें आप, मेरी आपसे सभी से अपील है, और आप शास्त्रों में भी देख लीजिए चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, मृत्यु भोज काग भोज कहलाता है, कोए का भोज कह लो, कोए का भोज कहलाता है जिसको अपन कागला कहते हैं, उनका भोज कहलाता है, तो आप कृपया करके वो भोज उनको बंद कर दिए। और शादियों में भी मिनिमाइज खर्चा करने का सबसे अच्छा मौका हमारे पास में आया है, कहीं से कर्जे ले लेके चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया 2 मिनट कहेगी, 2 मिनट बाद में दुनिया खाएगी पूछेगी और निकल जाएगी, कर्जा
कर्जा आपको चुकाना है, आपके बच्चे को चुकाना है, आपके परिवार को चुकाना है। तो आप सबसे अपील है जितना मिनिमाइज हो के ऐसे सिचुएशन में आप आपके खर्च बचा के कर सकते हो तो आप उतनी उतना ही करें। किसी का अगर आपके कमेंट को चुना है उसकी अकॉर्डिंग काम करवाओ, काम नहीं हुआ है इसीलिए आपसे निवेदन है। बिल्कुल मनीष का बार बार कमेंट आ रहा है हमारे सरपंच साहब के ऊपर, वो सरपंच साहब को भी मैंने बिल्कुल क्लियरली शब्दों में बताया है ये, लेकिन सरपंच साहब आई थिंक एक बार आके चले गए, अभी वो उन्होंने जवाब नहीं। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन, धन्यवाद मुकेश। बाबूलाल जी बोल, पता नहीं कौन से मुकेश, कैलाश चंद चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी। और कोई ऐसा भाई है जो इस लाइव में जुड़ के अपने अपने सुझाव और अपने कमेंट दे सकता है? हमारे साथ में हेमराज भाई जुड़े, हमारे गांव के ही हैं, जो ICICI फाउंडेशन में भी सीकर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई साहब वीडियो ऑडियो दोनों ही अटक रही है। रामराज जी, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू हो, इस वजह से अटक रही होगी, जैसे नेटवर्क बीच में फोन कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे इस वजह से। भाई हमारे तो पिछले साल ही छोड़ो दिया, भर्ती भोज खाना और खिलाना, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले साल ही छोड़ दिया है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि काफी मेरे ऐसे भाई है जो मुझे मृत्यु भोज में आमंत्रित करते हैं और मैं उनके जा नहीं पाता हूँ। जो भी कॉल कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा फोन ना करें, क्योंकि बार बार मेरे काफी सारे मित्र जुड़े हुए हैं और वो इसमें बाधा डल रही है। शंकर सिंह SPR, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, और आपके जो विचार है वो आज के समय में अगर कोई अपनाता है तो मेरे हिसाब से ये आइडिया कारगर साबित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे विचारों की प्रशंसा की, लेकिन विचारों की प्रशंसा किसी का कॉल नहीं आएगा, मैंने दो तीन लोगों को कॉल उठा के अभी तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आइडिया हमारे अच्छे हैं। मैं आज सबसे अपील भी करता हूँ, जैसे मैंने गई लास्ट टाइम पे मृत्यु भोज पे हमने काम किया, मुझे लगता है मेरा एक ही मानना है कि कोई इसको इसको माने या नहीं माने, लेकिन हो सकता है कि अगर हम लोग 100 लोगों को बोलेंगे तो 2 लोग तो मानेंगे। अगर 2 लोगों ने मान लिया तो अपना अपना कुछ नहीं जा रहा है, अपन आराम से इसमें वो कर सकते हैं। एक मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रखी है, काशी बेरवा अप्रूव कर रहा हूँ मैं इनको। आप जो मेरे साथ में लाइन पे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं उनको ऐड करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और आप बिल्कुल इस पे आके ना अपना अपने विचार रखिए, बिल्कुल खुला मंच है, जिसको जो बोलना है आप बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो चीजें थी वो यही थी कि एक तो जो जननेता हैं, जो हमारे 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 जो नेता हैं, जो हमारे मुखिया हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। अपनी जो ग्रामीण लोग, परिवेश के जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा सहूलियत मिले, उनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ
जिस किसी के भी भाई के घर में, रिश्तेदारों में, या कहीं पे गांव में शादी या विवाह है, तो कृपया करके ऐसी सिचुएशन में वो डरे हुए हैं वो लोग, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें, उनके काम को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिचुएशन तो आज उनमें है, कल हमें भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। और रही बात लॉकडाउन का, हाँ, कोई भरोसा नहीं है, एकदम से हम टीवी रोज देख रहे हैं, आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं, और इन आंकड़ों को जहां पर हम देख रहे हैं, अगर टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर स्थिति है। पर सरकार के भी काफी सारे फॉल्ट्स है हमारे सामने, कि सरकार इतने जो चीजें हम लोगों को अभी बता रही है, अगर आज से 15 दिन पहले बताने लगती तो शायद मेरे हिसाब से सिचुएशन कंट्रोल में होती। पर वो पहले कैसे बताती, पहले चुनाव थे तो उनका चुनाव करवाना जरूरी था। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब बेरोजगार युवाओं के लिए या जिन्होंने अपने काम धंधे स्टार्ट किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन अभी आ गई है। तो मेरे हिसाब से मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि वो उनको या तो एक सर्वे करना चाहिए, या सर्वे नहीं तो किसी की प्रोजेक्ट फाइल उठा के देंगे। रामस्वरूप जी चौधरी हमारे साथ में मंडावरा से जुड़ सकेंगे। रामस्वरूप जी नमस्कार, आपके आपके विचार अब प्रकट करना पड़ेगा, आप अगर आप जुड़ गए हो इस चीजों के ऊपर तो आप पीछे नहीं हटोगे। हमें, मैं तो हमेशा फ्रंट ऑफ लाइन पे आके बात करता हूँ, आपको भी आज फ्रंट ऑफ लाइन पे आके बात करना पड़ेगा। आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ऐड करता हूँ। आप मुझे और ज्यादा नहीं तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में, इनके बारे में कुछ बात कर लीजिए। आप आइए मेरे साथ में लाइन पे, आपका स्वागत है। हरी ओम जी गंगाधी से जुड़े हमारे मामा श्री को प्रणाम, चरण स्पर्श। तो गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे मेरे मित्र हैं और उनमें मैं भी शामिल हूँ, हमने भी पैसा लगा के काम स्टार्ट किया था, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी 2 महीने ही उस काम को कर पाए और अभी लॉकडाउन लग गया है। तो काफी सारा जो निवेश है वो निवेश अटक जाता है, और कई लोग ऐसे अपना निवेश इधर उधर से जुगाड़ करके करके लेके आते हैं, तो उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरकार को एक बार इस विषय पर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, अगर कोई भी सरकार का बंदा यहाँ पे अगर सुन रहा है तो इस चीज को, क्योंकि सिचुएशन का कोई पता नहीं है आगे कितनी क्रिटिकल हो या क्या हो, तो कृपया करके इसके बारे में भी। रोजगार कार्यालय जयपुर में, जहां पर गवर्नमेंट दावे करती है कि लघु उद्योग के लिए हम लोन देंगे, मित्र क्या पूरी प्रोजेक्ट फाइल बिल्कुल सही थी, वो था वो था, सब कुछ हम करके लिखे गए, पर वहां पे जाके पता चला कि ये बिल्कुल एक खोखली बिल्कुल खोखली घोषणा थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, अगर उसके पास में ऐसे डॉक्यूमेंट्स और वो होता तो वो बेचारा लोन लेने नहीं जाता। तो सरकार तो क्या है कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, सरकार अपना कान पकड़ के रखती है। राइट बात है, सरकार को लॉकडाउन की सूचना 10 दिन पहले देनी चाहिए कि हम आगे लॉकडाउन लगा सकते हैं। बिल्कुल, राम स्वरूप जी राम राम करें, राम राम साहब, ओम डावला जी राम राम, राम राम साहब अमर सैनिक कर रहे हैं। राम स्वरूप जी आप भी हमारे साथ में चुनाव लड़े हो ग्राम पंचायत मंडावरी में, तो कृपया करके जो अव्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में फैली हुई है उसके बारे में खुल के आप भी बात करें, आपसे अनुरोध है, लोगों की आवाज बनो। कब तक बैकफुट पे जाके आप बातें करोगे? आप हमको बैकफुट पे नहीं होना, फ्रंट फुट पे आके बात करनी है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है जब तक अपन सही है। तो आज ग्राम पंचायत मंडावरी की सिचुएशन ये है कि जिनके पास में जिनके घरों की लिस्टें रुकी हुई थी उनके घर की लिस्टें आज भी रुकी हुई है, जिनके राशन कार्ड अधूरे थे उनके राशन कार्ड आज भी अधूरे ही है। और काम की तो छोड़ो, गाँव में एक दूसरे पे जैसे ये जिसको हम गर्मियों का दिन कहते हैं वो आता है, कोई मेयर को काट रहा है, कोई किसको काट रहा है, कोई किसको काट रहा है, तो मुखिया का काम होता है उन कामों को थोड़ा सा समझाइत करके गाँव में सुव्यवस्थाएं बनाए रखना। तो आप लोग भी बीइंग एक प्रत्याशी होने के नाते जनता की सेवा की भावना रखो, और आप भी आगे आए हो, एक दूसरे को हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, चुनाव चुनाव के समय पे चल रहा है। और हमारे साथ में अब की बार जुड़े बाबूलाल जी बामू एडवोकेट साहब, हमारे सीए साहब है। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? ये भी अपने विचार रखना चाहेंगे। तो आज बिल्कुल ये पॉलिटिकल राजनीति से रहित लाइव चर्चा थी, लेकिन कुछ एक लोगों के कमेंट्स आए हैं, और उनके कमेंट भी जायज थे कि जिनको जहां से उम्मीद होती है वो वहीं पे आके बोलता है। आज जब मैं ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का चुनाव हारने के
मैं आप लोगों को बताऊं, चुनाव हारने के सेकंड डे 8:30 बजे गाड़ी उठा के वापस फील्ड में चला गया था। और सबसे जाके हो सकता है मेरे में कहीं ना कहीं कमियां होगी, या कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कमी थी, कहीं ना कहीं इस वजह से चुनाव हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, जनता का सपोर्ट अभी भी हमारे साथ में खूब सारा है। और उन ऐसी जनता को तो मैं तो बारम्बार प्रणाम करता हूँ कि उनका सपोर्ट हमारे साथ। तो मैं दूसरे दिन ही जाके वहां बैठ गया, और वहां से लेके कंटिन्यू मैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, चाहे फोन कॉल्स के माध्यम से देख लीजिए, चाहे मैं अपने व्यक्तिगत माध्यम से देख लीजिए, जनता के बीच में जाता हूँ, और जनता हमेशा मुझे आके अपना भाव प्रकट करती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उम्मीद है, इसलिए हमारा भाव हमारे साथ में आके भाव। इलियास खान हमारे साथ में जुड़े, इलियास भाई सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो वो भाव प्रकट करती है हमारे साथ में। भाव प्रकट उसी के साथ में किया जाता है जहां से हम लोगों को कहीं उम्मीद होती है। तो अगर कोई मेरे सामने भाव प्रकट करता है, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूं, मैं उस बात को तुरंत जो नहीं कर रहा उसके उसके सामने पेश कर देता हूँ। कई लोगों को होता है कि राजनीति करना वो अलग से होता है, हम राजनीति यहाँ से नहीं करते, मैं तो यहाँ से करता हूँ, किसी को बुरा लगे चाहे गलत लगे। तो आज का जो लाइव का जो मेरा जो मेन है, जो सारांश मैं आप लोगों के सामने निकालना चाह रहा हूँ, सारांश ये है कि कृपया करके जिन के रिश्तेदारों में घरों में शादी है, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, लॉकडाउन की स्थिति लग जाने के कारण वो परिवार काफी असमंजस में है कि कितने लोग आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पुलिस नहीं आए क्या, ये हो रहे। तो सभी समाज के युवाओं से, बुजुर्गों से, जो भी मेरी माताएं बहने जो देख रही है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके ऐसे ऐसे परिवारों का आप सहयोग करें जिनकी शादी है घर में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बच्ची की शादी करना, बेटे की शादी करना, उन्हीं को पता है कि उन्होंने व्यवस्थाएं कैसे की है। तो उनकी व्यवस्थाएं बिगड़े ना, कम खर्चे में, मिनिमम खर्चे में आप उस शादी को संपन्न कराने की कोशिश करें, कम लोग जाएं, भीड़ भड़ा का ना करें, आप जाएं तो आप अपना काम करके खाना खा के वापस निकल जाए, वहां पे ज्यादा इकट्ठा ना हो, ताकि अगले का भी काम ना बिगड़े और आपका भी काम ना बिगड़े। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरी बात, मृत्यु भोज ना करें, मृत्यु भोज एक कलंक है हमारे समाज में। इसी इसी पैसे को अगर आपको लगता है कि मेरे घर वालों का नाम होना चाहिए, मेरे दादाजी का तमोगत उनका होना चाहिए, तो उनके नाम पे कहीं पे स्कूल में डोनेट करें, कहीं पे ऐसी कोई सेवाएं दे, गौशाला में करें, ताकि आपका नाम अमर रहेगा। मेरी इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आपके सामने समक्ष लाइव पेश हुआ था मैं, कि किसी के शादी हो तो कृपया करके आप ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करें, वो शादी हो, स्वामणी हो, चाहे जोरूला हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस कार्य में। और दूसरी बात, आज लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं लास्ट टाइम इसी साल इसी इन्हीं दिनों में गए 2020 में मैंने शपथ ली थी, मृत्यु भोज ना तो मैं खाऊंगा और ना मैं जाऊंगा और ना मेरे मिलने वालों को करने दूंगा। तो आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मृत्यु भोज को आप बंद करें, एक कुरीति है, इस कुरीति से हम लोगों को निकलना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी भी अगर कहीं पे मृत्यु भोज हो रहे हैं, तो आप कृपया करके इसको बंद कराने की कोशिश, कुछ नहीं है, मैं आपको कहता हूँ, लोग बातें करते हैं 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन बात करेंगे, 2 दिन के अलावा भूल जाएंगे, लेकिन आपने कर्जा लेके मृत्यु भोज किया है या कहीं से उठा के पैसे किए हैं, उसकी पैसा चुकाते चुकाते आपको 20 साल लग जाएंगे, और आप जिंदगी में वो नहीं करना कर पाओगे। मेरे ग्राम पंचायत में भी काफी सारे ऐसे रेस्पेक्टिव पर्सन थे जिन लोग जिनसे मुझे उम्मीद थी कि ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन कई लोगों ने किया है। अब हमारा काम है कि हम आपको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बाकी वो आपके। एडवोकेट प्रहलाद गुजर हचुकड़ा से हमारे साथ, मुझे भाई साहब को नमस्कार, कैसे हैं? हमारे सम्मानित सुरेंद्र जी टेलर एडवोकेट आप हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रणाम भाई साहब आपको। हनुमान जी चौधरी हमारे साथ में जुड़े हैं, शंकर जी जाट हमारे अंकल जी हमारे साथ में। ग्राम पंचायत का कार्य आपसे छुपा नहीं है, मैं भी रहूं, मेरी नजरें बिल्कुल उस कार्य पे रहती है, तो मेरे से नहीं छुपा, लेकिन आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया करके जो जिन लोगों में समस्याएं ये उन समस्याओं का समाधान करवाएं, सरपंच साहब बोल के करवाएं, कहीं पे मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेशक फोन करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारा हमारा दायित्व है। अगर हम लोगों ने झंडा उठाया आगे,
तो अगर झंडा उठाया तो झंडा उठाने वाले को तो झंडे का बोझ झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो हमने अगर ग्राम पंचायत मंडावरी या आसपास के गांवों के लिए अगर हम अपना कुछ करना चाहें तो उस बोझ को आपको लेके चलना पड़ेगा, आप उसे पीछे नहीं हट सकते। तो तमाम मेरे जो दोस्त युवा और बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें आज इस लाइव के माध्यम से जुड़ी है, उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जहां पर भी कोई किसी को अगर कहीं पे मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बेझिझक मुझे बताएं। ग्राम पंचायत मंडावरी नहीं अपितु दूदू विधानसभा, दूदू विधानसभा के बाहर भी कोई सेवाएं हैं मेरे लायक तो आप मुझे बताएं। और बेरोजगार युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई बेरोजगार युवा है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप, मैं इतना कर सकता हूँ कि रिसोर्स मैं निकाल सकता हूँ, आपकी आपकी प्रोफाइल अगर मैच होगी तो बिल्कुल मैं नौकरी नौकरी का कहीं पे प्राइवेट कंपनियों में मैं बात करके आपको नौकरी प्रदान करवा सकता हूँ। तो अपने जो भी सीवी है रिज्यूमे आप बना के मेरी मेल आईडी पे आप मुझे सेंड कर दीजिए। मेल आईडी है मेरी hansrajchaudhary92@gmail.com, hansrajchaudhary92@gmail.com, इसमें आप मेल कर दीजिए। जो भी आपकी सुटेबल होगी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि बेरोजगार भाइयों को मेरे को रोजगार मिले। अब मैं तो सरकार तो है नहीं कि मैं किसी को सरकारी नौकरी लगा दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने बेरोजगार लोग हैं कि किसी को स्किल स्किल ट्रेनिंग दे के मैं रोजगार लगाने की कोशिश करूं, किसी को जो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर से तो मैं लगाने की कोशिश करूंगा। राम राम जी चौधरी, बजरंग जी मोवाल, नरेंद्र जी शेखावत, पहला जी गुजर, बहुत लोग हमारे साथ में आज जुड़े हैं। सभी को, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। और सामाजिक सरोकारों में जहां पर भी भाग ले, COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करें। अब जो सरकार ने हमारे ऊपर जो लगाई है उसको तो हमको झेलना पड़ेगा। गरीब मरेगा, गरीब आदमी ना, तो ना तो व्यापारी मरेगा ना ही सरकारी नौकरी वाले, लेकिन गरीब लोगों के लिए हालत खराब है। तो कृपया करके अपनी धन संचित को बचा के रखे, अपने आने वाले समय में काम में आएगी। और जो भी शादी विवाह कर रहे हैं उनको सीमित समय में सीमित सीमित दायरे में करके आप उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके उसको निपटाने की कोशिश करें, और मृत्यु बोझ है जिसको बंद करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जल्दी हम लोग मिलेंगे। और छोटा सा मेरा एक पॉइंट था वो छूट गया था, महाशिवरात्रि नहीं था आई थिंक अभी कोई, हाँ होली के पावन पर्व पे मैंने एक बहुत अच्छी सी मेरे मुंह से घोषणा की थी कि मुझे 20-30 ऑपरेशन होते हैं इनके फ्री में करवाने थे, लेकिन कोरोना कोविड की वजह से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की बात हो रही है तो वो अभी इसको टाल दिए हैं। तो कृपया करके आप वो ये ना समझे कि हंसराज जी ने घोषणा की थी, वो घोषणा नहीं की। जहां तक मेरी कोशिश होगी, ज्यादा जैसे हालात अगर हमारे सामान्य होंगे तो मैं कराने की कोशिश करूंगा उसको बार बार। हम सभी जनता के ही सेवक हैं, हम सबको एक साथ होकर सामाजिक कार्यों लेके आगे रहना चाहिए। रामस्वरूप जी, मैं तो पिछले 5-6 साल से आगे ही हूँ, अगर आप कहोगे कि और आगे जाना है तो मैं तो और आगे जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपके साथ में हूँ। पर यह है कि चुनाव के समय में आप कितने भी आपस में मतभेद हो जाए लोगों के, लेकिन अभी जनता का जनता के लिए हम लोगों को एक होके जो सत्ताधारी चीजें हैं उनसे लड़ना चाहिए, उनसे जनता को हक दिलाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो सभी साथियों से मैं विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे लाइव में जुड़े, और ऐसे ही आपका प्यार और सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।